नौजवान नदवी बोर्ड से बाहर निकाल दिए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नदवी ने मस्जिद शिफ्ट करने की बात कही थी। बोर्ड ने दो दिन पहले नोटिस भेजा था। सलमान नदवी अपने बयान पर कायम थे। रावे हसन की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने नदवी को बर्खास्त कर दिया। सलमान नदवी ने AIMPLB पर आरोप लगाए थे, कट्टरपंथियों के कब्जे में है बोर्ड। सुलह का फार्मूला देने पर नदवी को शहीद कर दिया गया है। कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। ये बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना जो पुराना स्टैंड है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वो हमेशा मस्जिद रहेगी और ना उसको गिफ्ट किया जा सकता है, ना उसे सेल किया जा सकता है, ना उसे शिफ्ट किया जा सकता है। ये शरई मौकफ है। और चूंकि सलमान नदवी साहब ने इस यूनानिमस स्टैंड के खिलाफ जाकर बात बाद में कही है और वो आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, और उन्होंने उस हमारे इजलास के बाद जाकर टीवी चैनल को एक लंबा इंटरव्यू दिया है और यह कह दिया कि मैं इससे डिसएग्री करता हूं और मैं पब्लिकली इसका इजहार करूंगा और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपने आप को डिसोसिएट करता हूं। जाहिर है इसके बाद बोर्ड के सामने कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। बोर्ड ने कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और सलमान नदवी साहब ने हमारे स्टैंड के खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ AIM के प्रवक्ता आसिम वकार जी जुड़े हैं। सूफिया निजामी जी मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूफिया निजामी जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई अदालत के बाहर सुलह का रास्ता निकालता है तो क्या ये होगा उसके साथ, उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे आप बोर्ड से? क्या गलत कह दिया इसमें उन्होंने? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि सुलह के अगर कोर्ट के बाहर सुलह की बात होती है तो वो दोनों तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है। यहाँ पर बात मस्जिद को शिफ्ट करने की जा रही थी, लेकिन उधर से कोई ऐसी बात मंदिर को शिफ्ट करने की नहीं आई है। तो बात जब दोनों तरफ से होती है तब उसका कोई हल निकलता है। जब सलमान नदवी ने इस बात को कह दिया कि साहब मंदिर को वहीं फिक्स कर दीजिए और मस्जिद को हम शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ऐतराज है? क्या ये जिद है? देखिए, मस्जिद क्या सिर्फ जिद की वजह से ये नहीं हो सकता? क्या एक व्यक्ति जो सुलह की बात करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे आप? नहीं, तो अगर आपको बड़ी हमदर्दी है तो आप बात कर लीजिए। दूसरे इदारों में बहुत सी जगह हैं, वहाँ पर उनको रखा जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड एक इदारा है और पर्सनल लॉ बोर्ड के नजरिए से और वहाँ के भाईचारे की बात करता है तो बर्दाश्त नहीं है आपको? देखिए, ये एक तरफा भाईचारा बहुत दिन तक नहीं चलता है। सिर्फ एक तरफ से भाईचारा निभाने की बात की जाती है और सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो भाईचारा निभाए। दूसरे तरफ से भी ये बात हो सकती है। और यानी अब तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही बगावत देख रहे हैं, उसमें ही बगावत पर उतर आए हैं? नहीं देखिए, इस तरीके की बहुत सी चीजें होती रहती हैं। हर सरकार तंजीम और हर इस तरीके के इदारे, उसमें कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे हटकर बात करते हैं। ऐतराज बताइए मुझे, किस बात पर है सुफियान जी आपको? जी देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कह दिया कि मंदिर फिक्स कर दीजिए, हम मस्जिद को शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऐतराज क्यों हो गया? नहीं, अगर मैं ये बात कहूँ कि मंदिर को शिफ्ट कर दीजिए और मस्जिद वहीं बनेगी तो फिर आपको ऐतराज क्यों होता है? बात यह है कि जब आप बात करें तो दोनों तरफ से करें। अगर एक तरफ की आप बात करेंगे, और देखिए पहली बात तो यह है कि जब वहाँ पर सुलहनामे की बात हो रही है, जब सुलहनामे की बात हो रही है तो उसमें मिर्ची क्यों डाल रहे हैं? और फिर एक व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के यानी आप अपनी तानाशाही चलाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, आसिम वकार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, AIM के प्रवक्ता है। आसिम जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पे आपका। सुफियान जी, दो मिनट रुकिए। आसिम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मौलाना सलमान नदवी ने अगर ये प्रस्ताव दिया, सुलहनामे की एक कोशिश की, तो क्या अगर कोई व्यक्ति सुलहनामे की कोशिश करता है, पेशकश करता है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे बोर्ड से? सुलहनामे में और सरेंडर में और सौदे में पहले तो फर्क करना सीख लीजिए। सुलह वो होती है जो दोनों तरफ से बराबर झुककर बराबर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करके बात की जाए, जैसे फॉल्ट सुलह। और जिसको एक आदमी ताड़ की तरह तना रहे अपनी बात के ऊपर कि हम तो कर करेंगे, एक आदमी नहीं, जो आदमी इस बात पर आएगा आप उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, तानाशाही करेंगे? सीधी सीधी कहिए, आपको ये मुनासिब है ही नहीं। और सही कहा है नदवी ने कि बोर्ड कट्टर
गया है, गलत नहीं कहा। पहले तो मुझे बने रहिए आसिम जी मेरे साथ, राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है राकेश जी, बहुत स्वागत। राकेश जी, अयोध्या मामले को अदालत से बाहर सुलझाने की अगर कोई पेशकश करता है, जो कि मौलाना सलमान नदवी ने की, उनको मुस्लिम पर्सनल अवार्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसको अपने साथ रखना चाहता है, किसको बाहर करना चाहता है, ये उनका अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन इस मसले से ये जरूर तय हो गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपस में कितने ही संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। बिल्कुल। कि वो किसी ऐसे विचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जिसपे चर्चा हो सकती हो, जिसमें बातचीत हो सकती हो। ये तय हो गया कि वो संकीर्णताओं से घिरा हुआ है, कट्टरपंथी है, जिसमें किसी भी प्रकार के विचारों का समावेश नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, केवल एक ही वाक्य लेकर के चलेंगे जिस पर कोई बातचीत नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते। ऐसे विचार हमेशा पतन की ओर लेकर के जाते हैं। जहां पर चर्चा होती है, जहां पर अलग अलग विचारों का सम्मान होता है, वो हमेशा आगे प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करने वाला ये निर्णय होगा, जिस तरह की कट्टरता उन्होंने दिखाई है, कठोरता दिखाई है, संकीर्णता दिखाई है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है। सुफियान जी, संकीर्णता आपकी नजर आ रही है। देखिए, अब आप मुझे चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड को तानाशाह कहें, चाहे उसको कहेंगे नहीं, वो है, नजर आ रहा है, वो जो भी आप कहें वो आपकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन हाँ, पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद के मुताल्लिक किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, और जैसा कि सुझाव दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पहल की गई थी सुफियान जी, अगर आपको पता हो, पहल की गई, लेकिन हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि उस पहल का कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकला तो सही, आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने अपनी सोच जाहिर कर दी कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जिद है आपकी, की तरफ से कोई जलन है आपको, जिद है, आप नहीं चाहते कि रास्ता निकले। पर इख्तियार थे कि साहब मंदिर वहीं बनेगा, तो अगर जब समझौता होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बात की जाती है। एक तरफ से जब बात करेंगे, मस्जिद की भी बात की, तो फिर उसपे मस्जिद के लिए भी बात की है, अगर आपने उनका पूरा बयान सुना हो तो। तरफ से कोई भी बात इस तरीके नहीं कही गई है कि वो मंदिर। रोकना चाहूंगी इस बीच, एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास इस वक्त की, दोनों तरफ से होती है सुलह। सुफियान निजामी ने भारत समाचार से बातचीत करते हुए कहा, एक तरफ से सुलह नहीं होगी। ये बोर्ड में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, सुफियान निजामी ने यह भी कहा है। ऐसे लोगों का मतलब है सलमान नदवी को कंपेयर किया उन्होंने, कि बोर्ड में मौलाना सलमान नदवी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। एक तरफ से सुलह नहीं होगी, सुलह दोनों तरफ से होगी। सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई अयोध्या मामले को अदालत से बाहर सुलझाने को लेकर अगर कोई पहल करता है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह मंजूर नहीं है। उसकी संकीर्णता साफ नजर आ रही है, सोच साफ नजर आ रही है कि जहां पर सिर्फ जिद वाली बात सामने आ रही है, जलन वाली बात सामने आ रही है, कैसे भी रास्ता बीच का अगर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो भी इसकी कड़ी बन रहा है, उस कड़ी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। भारत समाचार से बातचीत की है सुफियान निजामी ने और कहा है कि एक तरफ से सुलह नहीं होगी। एक तरीका होता है, जो तरीका शायद ये बखूबी जानते होंगे सलमान नदवी को, वो शायद तरीका पता नहीं होगा, क्योंकि सलमान नदवी ने ये कह दिया कि आप मंदिर फिक्स कर लीजिए, हम मस्जिद को शिफ्ट कर लेते हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नागवार गुजरा है। शिया बख बोर्ड के हमारे साथ वसीम रिजवी जी जुड़े हुए हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पे आपका। जी लक्ष्मी, शुक्रिया। वसीम जी, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, अगर अयोध्या मामले को अदालत से बाहर सुलझाने को लेकर कोई पहल करता है, जैसे कि सलमान नदवी ने की, तो क्या गलत कर दिया इसमें? देखिए, इस बात की सजा उनको ये दी गई कि सलमान नदवी साहब ने, सलमान नदवी साहब कह रहे हैं, वसीम जी मैं आपको ये भी बता दूं, सुफियान निजामी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि सुलह एक तरफ से नहीं होती और उन्होंने गलत रास्ता चुना था, जिसका उनको सबक दे दिया गया, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत किसकी है? क्या क्या जाकिर नायक की जरूरत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? देखिए, अगर सलमान नदवी साहब ने कोई जायज बात कही, सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड ने ये फार्मूला इख्तियार किया और पूरी दुनिया के सामने ये फार्मूला लाया कि वहां पर राम मंदिर बने और वहां से मस्जिद जो है शिफ्ट हो। आज सलमान नदवी साहब को भी अगर ये बात सही लगी हो, उन्हीं ने यही बात सामने ला के रखी है, तो क्या बुरा कह दिया? और असलियत यही है। आज देखिए, आज ये सलमान नदवी को तुमने निकाला है, तुम आप देखिए, उसमें सिर्फ आज तक ऐसे लोग हैं 250 में,
कि जो के कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं और जो पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर काबिज है, लेकिन जो 250 मेंबर, तुमने सलमान नदवी का जो फार्मूला था उस पर इलेक्शन क्यों नहीं करा लिया, आम राय क्यों नहीं, वो बोलने गए तो उनको बोलने तक नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं बोलने दिया गया, उनकी आवाज को भी रोका गया, आरएसएस का एजेंट बता दिया गया। ऐसा नहीं होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से नहीं चलती है कि आप वहाँ पे किसी मेंबर की कोई हैसियत ना हो, और अगर कोई मेंबर कोई गैर बात कह दे तो उसको आप बोलने भी ना दो, उसको अपनी बात को समझाने भी ना दो, आप वोटिंग कराओ ना इस बात पे, मतलब आप आपके 250 मेंबर है, आप 250 मेंबरों से वोटिंग कराओ, बिल्कुल फिर देखते हैं कि सलमान नदवी की राय सही है या फसल बोर्ड के जो कट्टरपंथी मुल्लाओं ने जो राय दी है वो सही है। बिल्कुल वसीम जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो इस तरीके की सोच, इस तरीके की मंशा और ये जिद और ये जलन रखते हैं, ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है, इनकी मंशा क्या है, इसके पीछे वो क्या करना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, आखिर क्यों सुलह का रास्ता नहीं निकालना चाहते? देखिए कल जिस तरह का एक एक वीडियो आपके चैनलों के माध्यम से वायरल हुआ, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है वो एक फिजाओं में जहर घोल रहे थे, वो एक अपनी तकरीर के जरिए, इस तरह की अगर तकरीरें अंदर होती हैं और उनके वीडियोस मुसलमानों तक जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? तुम मुसलमानों को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हो हिंदुस्तान में। सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर इस तरह की वीडियोस, इस तरह की तकरीर अपने बाद में की जिससे मुसलमानों में गुस्सा और गर्मी पैदा हो। तो ऐसे ऐसी मानसिकता के लोग, आज तक जाकिर नायक पर कार्रवाई नहीं की, जाकिर नायक के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जाकिर नायक को अपनी मेंबरशिप से नहीं निकाला गया, सलमान नदवी साहब ने अगर कोई अजायब बात कह दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। वसीम जी, जो उनका फैसला आया, जो उन्होंने एक पहल की, जो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं कि उन्होंने हमारी हमारी बात को, हमारी बात पर अपनी अपनी राय से, हमारी बात से सहमत हुए, हम इस बात पे बिल्कुल खुश हैं। ऐसे लोग सामने आने चाहिए और जब तक के इस तरह के लोगों की एक बड़ी जमात नहीं बनेगी, तब तक के इस देश में जो जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा हो रहा है ये खत्म नहीं होता। अगर हमको बुराई को हराना है, लक्ष्मी जी एक बात और बताइए, तू अगर के हमको बुराई को हराना है तो बड़ी तादाद में अच्छाई को इकट्ठा करना होगा, बुराई अपने आप आ जाए। वसीम जी मेरे साथ बने रहिए, आप आसिम वकार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिम वकार जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जिसके लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने पहल की, अपनी इच्छा जाहिर की, और ऐसा भी नहीं है कि मस्जिद के लिए कोई डिमांड नहीं की, साफ कहा गया था कि मंदिर को आप वहीं रखिए और मस्जिद को हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, इसमें कौन सा एतराज था? और बड़ा सवाल यह कि सजा किस बात की दे दी गई? देखिए सबसे पहली बात तो थोड़ा सा टोन अपना एंकर वाला कीजिए, मास्टर वाला ना कीजिए। दूसरी बात, बात रखने दीजिएगा पूरी रखिए। समय दूंगी आपको। सबसे पहली बात तो उन्होंने कौन सा नया काम कर दिया, उन्होंने कौन सा नया काम कर दिया, आपने कौन सा नया काम कर दिया, आपने क्यों नया काम करके उनको बाहर निकाल दिया? आप कैसी, आपको बात नहीं करना, आपने कहा ना कि उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, जब नया काम नहीं किया तो सजा किस बात की नहीं दे दी गई उनको? जवाब दीजिए आसिफ वकार जी, लगता है जवाब नहीं है आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, सलमान नदवी को बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सूफिया निजामी का भारत समाचार पर बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि सुलह एक तरफ से नहीं होगी, दोनों तरफ से सुलह होगी। समाता फरमान अब्बास इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। फरमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी प्रलय आ गई, ऐसा कौन सा उन्होंने अपना बयान दे दिया जिसके चलते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नदवी को, और इसके पीछे ऐसे कट्टर पंथियों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पूरी तरह से इस बात जो सलमान नदवी के साथ जिस तरह से पेश आया है उससे साफ जाहिर हो गया कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पूरी तरह से कट्टरपंथियों के चंगुल में है। उनकी मंशा के बिना अगर कोई सवाल करता है तो उसको वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि ये वही सलमान नदवी हैं
जिन्होंने जब बगदादी जो आतंकी है जब उसने अपने आप को खलीफा का ऐलान किया था तो इन्होंने यहाँ से उसको मुबारकबाद का खत भेजा था, लेकिन उस वक्त बोर्ड ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि उनकी मंशा थी शायद ऐसी, क्योंकि उनकी जो कट्टरपंथी जो मानसिकता है उसमें उसके हम ख्याल उस वक्त बने हुए थे। लेकिन अब जब सलमान नदवी सुलह की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, एक रास्ता निकलने की बात मुल्क के हित में, तो प्रतिनिधि बोर्ड बहुत शुक्रिया फरमान पूरी बातचीत के लिए, हम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे और कुछ खास खबरों के साथ, आप देखते रहिए भारत समाचार। Plan to own your dream home, so why not make it this weekend instead? Presenting Logics Group Project Ready to Move In Homes in Noida, 0% GST, marketed exclusively by Investors Clinic. Presenting Blossom County Apartments in Sector 137, Noida, 2, 3 or 4 BHK in 43.4 lakhs. Blossom Green Apartment, Sector 143, Noida, 2 or 3 BHK in 40.6 lakhs. Blossom Zest Apartment, Sector 143, Noida, 1 or 2 BHK in 20.6 lakhs. Logics Group present the life you deserve. Hum sabka favorite, Raj Shri Pan Masala. For any type of outdoor advertising in Noida, please contact NPA Noida Publicity Agency, Noida. Call 09810-364-225. अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। ब्रेक के बाद लौटे हैं एक बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद में दलित छात्र की सनसनीखेज हत्या की गई। सड़क पर गुंडों ने पीट पीट कर दलित को मार डाला। रेस्टोरेंट में पैर थोड़ा सा टच होने पर सटने पर दलित की हत्या कर दी गई। पहले रेस्टोरेंट में मारा फिर बाहर हमला किया। इलाहाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इलाहाबाद के कटरा इलाके में दलित छात्र की सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सड़क पर सरेआम दलित लौका छात्र जिसकी हत्या हुई है।